You can trust, we are professional. मेरा नाम सैयद कुद्दूस रजा है और 2000 में NCSA सेरामिक्स में मैंने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया। तो उसके बाद से मेरा उस वक्त भी टॉपिक था बेसिकली विस्पर्स फ्रॉम स्पेस। तो बेसिकली एक चक्कर में डले हुए हैं सिंस 2000, 21 साल हो गए हैं इस चक्कर को चलते हुए। मॉन्यूमेंट डिज़ाइन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सम आउट ऑफ माय ऑल सब्जेक्ट्स। ये वर्कशॉप जी मेरा घर है, ये मेरा वर्क प्लेस भी है, ये मेरा रेस्ट प्लेस भी है, ये मेरा एक्टिविटी प्लेस भी है, एंटरटेनमेंट प्लेस भी है। सो इट्स ऑल इन वन। यहाँ पे मेरा क्ले रूम भी है, यहाँ पे मेरा वेल्डिंग रूम भी है, यहाँ पे सारा हम मॉन्यूमेंट्स की ए टू जेड जो है उसका क्ले वर्क, मोल्डिंग, कास्टिंग, प्रोडक्शन से लेके उसके डिस्पैचिंग की स्टेज तक हम यहाँ पे काम करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है जी, ये एक बड़ी बहरिया के बाद एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। इसका जो मेन गेट था, सबसे पहले सेवरल मीटिंग्स हुई इसके बेसिक आइडिया के ऊपर कि चाइनीज़ ओरिएंटल डिज़ाइन के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, और इसमें वो ओल्ड जो चाइनीज़ वॉरियर्स जो थे, स्पार्टन्स जो हैं, उनको भी ऐड करना है। इसके अंदर हमने हॉर्सेस को इसके फ्रंट पे ऐड करना है। तो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट इसका डिज़ाइन देखा और आई वाज ऑफ द व्यू के ये ह्यूज एक हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत सारे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उसका था कि जी जो पगोडा स्ट्रक्चर थे काफ़ी हाइट पे थे और काफ़ी ह्यूज थे, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर जो था वो फेस करना था। बोथ साइड्स पे आप देखते हैं कि जो ह्यूज डोम्स हैं ट्रांसलूसेंट, जो रात को आपको ब्लू कलर के नज़र आते हैं, तो उसको भी एक वन पीस लुक देने के लिए उसमें भी एक बहुत सारी एफर्ट इन्वॉल्व थी। फिर नॉट इवन देयर, फिर आगे उसमें था कि उसके ऊपर फिर उसकी टॉप जो कलसी जिसे बोलते हैं, फिर उस कलसी की एक स्टेज थी, फिर उस कलसी के ऊपर उसकी स्पाइक की एक स्टेज थी, फिर इस स्टेज के बाद इसके जो कॉलम्स थे, जो 30 फीट हाइट के जो कॉलम्स इस गेट के आगे खड़े हुए हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, हॉलो स्ट्रक्चर डेवलप किए गए, और उसके ऊपर फिर क्राउन वाज अ मेन सब्जेक्ट के हाउ टू डेवलप दिस क्राउन। वो भी 6-6 फुट के क्राउन्स थे जो वन पीस में बना के हमने इन कॉलम्स के ऊपर रखे। कॉलम्स के बाद हमें इसके ऊपर स्पार्टन्स के ऊपर आना पड़ा कि जो कि हमें एक्स्ट्रा लाइफ साइज ओल्ड चाइनीज वॉरियर्स जो थे उनको डेवलप करना था उसी मैस्कुलर बॉडी लैंग्वेज के अंदर। वो ऑलमोस्ट 12 फुट उसकी हाइट है, बड़े खूबसूरत हेलमेट के साथ जो ऊपर खड़े किए गए। इट्स ऑल क्ले स्कल्प्टेड, दिस क्राउन इज क्ले स्कल्प्टेड। जो पगोडा की जो टॉप्स ऊपर आपको नजर आती हैं, दीज आर ऑल क्ले स्कल्प्टेड। इस गेट के जी जो मेन पगोडा एंट्रेंस है, 30 फीट के कॉलम्स बन रहे हैं और उसके ऊपर फर्दर जो है 40 फीट हाइट है पगोडा स्ट्रक्चर्स की। और अगर आप इस गेट की विड्थ की बात करें तो ये तकरीबन 70 फीट ही इसकी जो है वो विड्थ बन रही है खाली एंट्रेंस की, और उसके बाद जो है 150 फीट्स की दोनों साइड पे स्ट्रेच है जिसके अंदर डोम्स हैं। एक्चुअली हॉर्स की जो हिस्ट्री है वो मेरे साथ बहुत पुरानी है। तो ये हॉर्स ऐसा नहीं था कि ये अचानक ही आइडिया आया और ये हॉर्स बन गया। इस हॉर्स बनने के पीछे कमोबेश आई थिंक के जो मेरे अर्ली चाइल्डहुड निकाल दें अगर आप, तो 30 इयर्स का एक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्केच अगर मैंने किया लाइफ में तो वो भी एक हॉर्स का ही था। और उसके बाद मेरा पेट जो है वो भी हॉर्स ही है, जो कि मेरे साथ तकरीबन 20 साल से मेरे साथ है। और मैंने ये स्कल्पचर देखा हुआ था स्कॉटलैंड में,
कैलपीस के नाम से, एंडी स्कॉट एक आर्टिस्ट है, उसने ये बनाया था 8 साल के अरसे में। मेरा भी ड्रीम था कि मैं इससे डिफरेंट और इससे बड़ा बनाऊंगा और एक साल में बनाऊंगा। जिस तरह इंसानों में अशरफुल मखलूकात इंसान है, तो उसी तरह अल्लाह ने जानवरों में अशरफुल जानवर जो है इस घोड़े को बनाया और इंसान के साथ सबसे पहले इसको ज़मीन पे भेजा। इसकी एनाटॉमी भी उतनी ही मुश्किल है जितनी कि एक इंसान की है, क्योंकि इंसान की एनाटॉमी के अंदर मसल्स और जॉइंट्स की जिस तरह से एक डेफिनेशन है, सेम उसी तरह से इस हॉर्स की एनाटॉमी में भी वही डेफिनेशन है मसल्स की और इसकी एक्सप्रेशंस की। इसका आप कान लंबा कर दें तो ये गधा है, इसका आप नाक छोटा कर दें तो ये ज़ेबरा है, इसको आप जो है गर्दन इसकी छोटी कर दें तो ये खच्चर है। तो बेसिकली एनाटॉमी इज़ एवरीथिंग, कि जब आप इसको 125 फुट के स्केल पे ले जाके जा रहे हैं तो उसको देख के आप ये कहें कि ये घोड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक स्मॉल मॉडल्स ऑफ क्ले, के 1 फीट के स्केल पे हमने क्ले में इनको डेवलप किया। साइट के ऊपर एक हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पे हमने इसको टूवर्ड्स वही जो आपको मैंने बात की थी कि हम इसको लैंडस्केप के अकॉर्डिंगली हमने इसको रख के वहाँ पे इसकी फ़ोटोशूट किया उन स्मॉल मॉडल्स का, कि डेप्थ में इनकी क्या लुक आ रही है, ये वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं कि नहीं है, सरफेस लेवल क्या है, ज़मीन से इनको कितना रेज होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करके तो हमने वहाँ पे इसकी फाउंडेशन पोर की। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतने बड़े मेटल स्ट्रक्चर को लिफ्ट कैसे करना है, हमने खड़ा कैसे करना है विद द केयर ऑफ एनाटॉमी, कि वो डिस्टर्ब ना हो और ये खड़ा भी हो जाए। कम्युनिटी लाइफस्टाइल में जी मॉन्यूमेंट की बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने भी इंसान के लिए हर जगह पे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ इस तरीके से खड़े हुए हैं कि जब आप उनको दूर से देखते हैं तो वाओ फैक्टर क्रिएट होता है, आप उनको देख के आप शशदर रह जाते हैं और देखते ही रहते हैं। कुछ स्ट्रेस को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है कि कितनी कितनी दूर से ट्रैवल करके आप ईफल टावर देखने जाते हैं, आप बुर्ज अल अरब देखने जा रहे हैं, आप हॉर्स मैस्कॉट पे आप जाके देख लें, इस वक्त पूरे पिंडी इस्लामाबाद पेशावर से लोग डेली देखने आ रहे हैं। वो क्यों देखने आ रहे हैं कि वो आके वहाँ पे उस चीज़ को देख के उनको एक रिलैक्स फील आती है कि जी हम वाओ ये क्या चीज़ बनी है। ये सारा जी जो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन व्हील की और स्कल्पचर की और ये सारे काम की और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जो भी आपको मैंने बताई है, इस सब की मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड स्टोरी एक बताना चाहता हूँ। कुछ मैंने डिस्क्राइब की थी कि कस्बे कमालिक उनके अजीज़ जहाँ शबी, ये हमारे NCA का एंट्रेंस गेट के ऊपर ये लिखा हुआ था, द डे आई एंटर्ड इन NCA। तो इसका जो था मीनिंग कि हाथ से काम करने वाला पूरे जहान को अजीज़ होता है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी इस सारी स्टोरी और इस सारे काम के पीछे जो मेन स्लोगन कार फरमा है अल्लाह के फजल और वालदैन की दुआओं के बाद, वो ये है कि कस्बे कमालिक उनके अजीज़ जहाँ शबी। और ये मेरी एडवाइस भी है सबको कि हाथ से काम करने वाला पूरे जहान को अजीज़ है, और इससे हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में बयान किया है कि अलकासिबु हबीबल्लाह, के हाथ से काम करने वाला मेहनत से कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो इस स्लोगन को लेके मैं आज तक चल रहा हूँ। बहुत इजी है बैठ के खाना बहुत दुनिया के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाथ से काम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हाथ पैर अल्लाह ने दिए हैं इनका मकसद यही है इनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये मेरा बेसिकली दिस इज़ माई लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, के अलकासिबु हबीबल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।